सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ ये आप थंबनेल को देखकर समझ चुके होंगे। सो मैं आज वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने मोबाइल में मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। आपको जो मोबाइल में फ्यूचर एक दिया हुआ होता है कि मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, एक बार में आप दो विंडोज ओपन कर सकते हैं, जैसे कि एक फाइल कुछ और ओपन किए और एक फाइल कुछ और ओपन करके, या फिर वीडियो प्ले कर रहे हैं, यूट्यूब प्ले कर रहे हैं। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें एक ही बार में कई ब्राउजर्स को यूज करना होता है। जैसे हमें मान लीजिए हमें यूट्यूब एक ओपन करना है, एक फेसबुक ओपन करना है, एक ऑनलाइन ब्राउजर पे इंस्टाग्राम ओपन करना है, या फिर हमें दो यूट्यूब ओपन करना है, या फिर दो फेसबुक ओपन करना है, या चार फेसबुक ओपन करना है एक ही टाइम में। तो रियल टाइम में आप किस तरह से एक ही ब्राउजर पे ये सारी प्रोसेस आप किस तरह से करेंगे, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। आप इस वीडियो में जान जाएंगे कि किस तरह से आपको ये सारी चीजें करनी है। तो सिंपल आपको मैं अपने मोबाइल के पर ले जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम रामप्रेश राजभर है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम टेक्निकल रामप्रेश है। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सिंपल मोबाइल के स्क्रीन पर आ गए हम और यहाँ पर प्ले स्टोर में जाना है। सिंपल प्ले स्टोर में आपको यहाँ पर मल्टी व्यू ब्राउजर करके आपको सर्च कर लेना है। इस तरह करके आपको एक मल्टी व्यू ब्राउजर करके एक एप्लीकेशन आएगी। आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है, प्ले स्टोर पे सिक्योर है। इसको सिंपल आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया है। इस तरह से ओपन करते ही आपको इस तरह से इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा। चार विंडोज आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सिंपल यहाँ पर आप क्लिक करेंगे थ्री डॉट पे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे सिंगल व्यू, डबल व्यू, ट्रिपल व्यू, सिक्सचर व्यू, मतलब छः बार यहाँ पर इस तरह से करके ऑप्शन है। इनको अनलॉक करने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा कुछ। सो पेमेंट आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको छः यहाँ पर पेजेस मिल जाते हैं आपको व्यू पे, छः मिल जाते हैं आपको ब्राउजर्स यूज करने के लिए। एक ही बार में अलग अलग आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। तो सिंपल नीचे सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे ऑटो रिलेड इंटरवल्स है, मतलब यहाँ पर इसको अगर आपको कोई पेज जैसे कि रिफ्रेश करना है कुछ मिनट सेकंड या जो भी आप जितना टाइम रखेंगे, जैसे इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप टाइम मिनट आप रख सकते हैं, यहाँ पर सेकंड रख सकते हैं और ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन रहेगा, इसको इस तरह से रिलोड कर देंगे। तो ये जितने मिनट सेकंड के लिए आपने यहाँ पर सेट किया है उतने टाइम बाद ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इमेज रिप्लेसमेंट सेटिंग भी है, तो इसको अगर करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। एड ब्लॉक का ऑप्शन है, यहाँ पर सारा चीज़ वैसे भी कोई ज़्यादा इस पर एडवर्टाइजमेंट या फालतू चीज़ें नहीं आती है, सो कोई इसका ज़रूरत नहीं है। इसके बाद डिटेल्स वगैरह ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये कुछ गेस्चर्स है जो कि ऑन कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पर अदर भी, जैसे कि वहाँ पर दिखाया था हमने, यहाँ पर रिमो एड्स वगैरह के लिए अनलॉक करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पर देख पा रहे होंगे 10 व्यू, 10 पेजेस एक बार में चलाना चाहते हैं, 20 पेजेस, तो ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सिंपल हम यहाँ पर सिंगल करके दिखाते हैं। पहले यहाँ पर सिंगल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं सिंगल हो गया, इस पर स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे करेंगे यहाँ पे गूगल का ऑप्शन आ जाएगा इस तरह से। मैं आपको इसके बाद यहाँ पर हम आपको दो विंडोज ओपन करके दिखाते हैं। तो सिंपल इस तरह से डबल व्यू पर करेंगे तो यहाँ पे दो हो जाएंगे। यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो सिंपल आपका यहाँ पे गूगल ऑन हो जाएगा। और इसी तरह सेकंड वाले पे भी अगर आप करेंगे तो यहाँ पर भी इसका गूगल यहाँ पर हो जाएगा। आप साइन इन करके अगर किसी चीज़ को मतलब जीमेल वगैरह साइन इन करना चाहते हैं तो एक पे साइन करेंगे सभी पे जीमेल आ जाएगा। ये नहीं कि आपको अलग अलग करना पड़ेगा, सिंपल एक ही पे अगर लॉगिन करते हैं तो आपका एक ही पे सब चीज़ हो जाएगा। तो सिंपल इस तरह से बैक करेंगे तो क्लोज होने का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसको सिंपल नो कर दीजिएगा। इस तरह से करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ इसको बढ़ाते हैं, जैसे कि हम ट्रिपल करते हैं व्यू, तो इस तरह से ट्रिपल व्यू आपका आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर ट्रिपल व्यू करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा। तो सिंपल आप जो भी करना चाहेंगे वहाँ पे साइन इन कर लीजिएगा। नीचे मान लीजिए हम और भी बढ़ाते हैं, आपको चार क्वाडकोर करके दिखाते हैं। और इस तरह से ही आपसे छः आप एक ही बार में भी चला सकते हैं, छः के छः देख पा रहे हैं। तो सिंपल हम आपको फोर करके दिखाते हैं, फोर में चारों में चार, जैसे एक में फेसबुक हम सर्च कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि फेसबुक सर्च कर लेते हैं और यहाँ पर फेसबुक आप आईडी अपनी लॉगिन कर यहाँ पर फेसबुक चला सकते हैं।
जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे फेसबुक, इस तरह से स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम डाल लेता हूँ, इंस्टाग्राम। तो कुछ टाइम ऐसा होता है कि हमें कुछ काम करने पड़ते हैं जो कि हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह या फिर यूट्यूब या फिर और भी कोई भी जीमेल वगैरह एक ही बार में यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरह से आप सिंपल कर सकते हैं, या फिर जो आपका मोबाइल पे जैसे कि आता है सिंपल, इस तरह से आप लगा के रखेंगे तो मल्टी व्यू, यहाँ पर आपका मल्टी टास्किंग भी आ जाता है। तो सिंपल आप ऊपर देख पा रहे होंगे वो मल्टी व्यू ब्राउजर प्लस यहाँ पर आ गया है। इसके साथ साथ आप और भी नीचे जो भी और भी ब्राउजर कोई यूज करना चाहते हैं या फिर आप कोई फोटो क्लिक करना चाहते हैं, अदर वीडियो देखना चाहते हैं, तो यूट्यूब वगैरह और भी अगर चलाना चाहते हैं तो सारी चीज़ें देख पा रहेंगे, ये सब चला सकते हैं आप आसानी से। यहाँ पर जीमेल वगैरह या फिर अदर ब्राउजर, यहाँ पर और भी कोई चीज़ है, क्रोम वगैरह या फिर जो भी आपके पास फेसबुक पेज जो भी आपका होता है, एक्स वाई जेड एप्लीकेशंस यहाँ पर जो दिख रहे हैं, ये एप्लीकेशंस आप आसानी से चला सकते हैं। या फिर आपका जो ऊपर यहाँ पर है, इस तरह से मल्टी व्यू ब्राउजर का यूज कर सकते हैं और मल्टी टास्किंग इस तरह से कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यूट्यूब से ऐसी लैपटॉप मोबाइल से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स अपने यूट्यूब चैनल पर लाता रहता हूँ। अगर मेरे लिए कोई सुझाव या जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।